हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं लवली स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल माय जर्नी विथ यू में। तो ऑलमोस्ट दोपहर हो रही है, टाइम 11:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी गुड मॉर्निंग ही कह सकते हैं। अभी मैं आई हूँ जस्ट गोडाउन से और मुझे अब ओरियो को खाना खिलाना है, फिर अपने लिए कुछ बनाना है। अब रोशन भी आ गए हैं, वो थोड़ी देर आराम किए हैं अभी घर में और अभी गए हैं अपना काम करने के लिए। वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे और तब तक मुझे खाना बनाना है। झाड़ू भी सही से नहीं लगा है, एक बार जो रैंडमली लगता है वो मैंने लगा लिया था, तो अभी मुझे लगानी है प्रॉपर झाड़ू और पोछा। देखते हैं कितना हो पाता है। सामान तो अभी भी बहुत सारा फैला हुआ है, कपड़ा बहुत जमा हो गया, वॉशिंग मशीन अभी तक प्लम्बर आया नहीं तो उसका काम बाकी है जो कि मेन काम था। गीजर लग गया जिसका कोई काम नहीं था, पंखा भी 2-3 कम लगता तो चलता, लेकिन वॉशिंग मशीन ज़रूरी था तो वही नहीं हुआ है। तो आज रोशन बोले हैं कि जल्दी से प्लम्बर को फ़ोन कर देंगे तो आकर लगा देगा, कुछ शायद नल में गड़बड़ी है तो वो देखेगा तभी हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले अपने लिए बनाती हूँ चाय। चाय ब्रेड खा के, 1-2 ब्रेड खा के फिर ओरियो को भी आज ब्रेड और दही खिला दूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और थक भी गई हूँ। खाने में भी सिंपल ही कुछ बनेगी, मे बी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी और दही, शायद यही कुछ बने। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर होता क्या है। कपड़े इतने जमा हो गए थे कि मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही था कि या तो हाथ से धो लूँ या कुछ करूँ। तभी मुझे आइडिया आया कि सिर्फ नल ख़राब है, पानी नहीं ले सकते हैं मशीन में, लेकिन खुद से तो पानी डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने बाल्टी बाल्टी पानी करके डाला मशीन में और जो भी बेडशीट और हैवी कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिया और 5 पे मतलब ढेर सारे कपड़ा फुल मशीन करके लोड करके और मैंने धो दिया कपड़ा। तो ऐसे करके मैंने 2 लॉट लगाए हैं मशीन के और हाथ से धोने वाले कपड़े मैंने रख दिए हैं दूसरे दिन धोने के लिए। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बाहर इतनी झमाझम बारिश हो रही है, मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, पकोड़े खाने वाला मौसम है, लेकिन मैं हूँ अकेले तो खा भी नहीं सकती। ये सब ना साथ में ही अच्छा लगता है, पकोड़े वगैरह खाना। ये ओरियो बहुत देर हो गया तो प्यार करने आया और इतने दिनों में मैं अपने प्लांट को लगभग भूल ही चुकी थी। तो वो एलोवेरा तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होने लगा था तो उस समय मैंने पानी दिया। और ओरियो, मैं कोई भी काम करूँ ना तो मैट छीनने चला आता है और काफ़ी थक गई मैं, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा ग्लूकॉन डी खोला और पी लिया तो उससे थोड़ी एनर्जी आ जाती है काम करने में तो मुझे अच्छा लगता है। तो गर्मी में मैं पीती ही हूँ। उसके बाद मैं आ गई लास्ट अपना किचन साफ़ करने। यहाँ की सिंक इतनी बड़ी है कि मुझे तो लगता है कि मैं उसमें मतलब तैरूँ कि क्या करूँ पता नहीं। बहुत बड़ी सिंक है तो मेरे कपड़े ज़्यादातर गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं नहाने से पहले ही सारे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैंने बनाई थी मॉर्निंग में आज शाही पनीर, तो वो भी मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी में और वो जितने भी बर्तन हैं मैं एक ही बार धो के हटा दूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली नहा के मैंने अभी चाय पिया है और ओरियो भी मेरे पास ही बैठा हुआ है यहाँ पर, इसे और कहीं मन भी नहीं लगता है, बस पास में ही आके बैठे रहता है। तो नए घर में जैसा कि सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ मीठा बनाएंगे ये वो, तो हम लोगों ने इतना टाइम मिला ही नहीं कि हम लोग कुछ मीठा बनाते, तो बस चाय बनाई थी शुरुआत में। मुझे लगा कुछ आवाज़ आया है, तो चाय बनाई थी और कुछ मिठाई था तो वही खाकर काम चला था और उसके बाद फिर खाना बनने लगा। अभी मतलब डीप क्लीनिंग बाकी है, पहले सामान लगा लूँ क्योंकि सामान नहीं रहने पे बहुत दिक्कत होती है। और अभी लाइट चली गई है, ये अगर खिड़की खोल दो पूरी तो अच्छी लाइट आती है, लेकिन मुझे अभी ऑडियो को लेकर निकलना है तो मिलते हैं आपसे। ऑडियो को घुमाने के बाद मैं जल्दी से कपड़े समेटने लग गई क्योंकि कपड़ों के कारण बहुत फैला हुआ लग रहा था और गोदरेज में थोड़े से ही कपड़े आ रहे थे, ढंग से रखे हुए नहीं थे, इसलिए तो मैं सारा कपड़ा निकाल के और उससे अच्छे से लगा दूंगी ताकि और मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना स्पेस ऑक्यूपाई करूंगी क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। एक ही गोदरेज है अभी
और कपड़े हम दोनों के इतने सारे हैं, तो अभी मैं सिर्फ डेली यूज की जो कपड़े हैं वो लगाऊंगी, और बाकी जो भी साड़ी वगैरह हैं जो बाहर पहननी है वो मैं अंदर रख दूंगी। ये मैं ओरियो को घुमा के आई हूँ, और उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी कपड़े निकले हैं ओरियो को तो उसको घुमा के आई आयरन हूँ अभी, करूँगी। इसलिए कपड़े चेंज किए। दिन भर में कितने कपड़े चेंज होते हैं मुझे खुद नहीं पता चलता है। तो अभी ये जो भी कपड़े निकले हैं जो कि आयरन किए हुए नहीं थे वो मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अगले 3 दिन और भी ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। और दिखाती हूँ आपको ओरियो क्या कर रहा है। ये देखो नीचे, आप लोग को लगता होगा ना कि मुझे कोई भी काम करने में 5 मिनट का काम हो तो उसमें 7 मिनट या 10 मिनट क्यों लगता है, तो इस कारण से वहाँ पे मुझे खड़े होकर आयरन करने में नहीं बन रहा है। और ये मतलब सोएगा तो मेरे पास ही सोएगा, मेरे पैर के पास जाकर सोया हुआ है। तो ये सारे कपड़े अभी आयरन हुए हैं, और ये सिर्फ फोल्ड करके रखने थे तो मैंने फोल्ड कर दिए, अब सबको उसकी जगह पे रखने हैं। और ये सारे क्लॉथ पिंस मैंने एक जगह रख दिए हैं, और इस बार जो मेरी आयरन की जगह बनी है वो जस्ट खिड़की के सामने, तो अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये मैंने जो मीशो से मंगवाया था डब्बा कश है, डब्बा बहुत ही प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है और स्ट्रांग भी है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर भी नहीं है। तो मैं ऐसे और भी सेट मंगा लूँगी तो किचन में थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे इसे कुछ छोटे में चाहिए और कुछ बड़े साइज में भी चाहिए, तो वो अभी मैं यहाँ का एड्रेस नहीं जान रही हूँ, धीरे धीरे जानूंगी तो ऑर्डर कर दूंगी। तो ये बैगन में लगा लिया मैंने चीरे, जिससे कि पता चल जाए बैगन अंदर से सही है या नहीं। तो ये भी सही है, बैगन साथ जो भी आ रहे हैं सब अभी सही आ रहे हैं। तो ये मैंने स्टैंड पे रख दिया, और इधर मैंने एमए ही रख दिया, और टू बी फ्रैंक मुझे ऐसे ही सही लगता है। थोड़ी बहुत बर्नर गंदी होती है तो उसे लोग साफ कर सकता है। और ये देखिए ये कितना ऊंचा हो गया है, तो उससे जल्दी तो यही पकेगी। तो टोटल 4 बैगन मैं पका रही हूँ, क्योंकि चोखा बनेगा और चोखा हम दोनों को पसंद है, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम लोगों का यही हो जाएगा, चोखा और रोटी। अभी तो आलू परवल की सब्ज़ी भी बची हुई है दिन की, और चोखा हो जाएगी तो काफ़ी सब्जी हो जाएंगे। तो मॉर्निंग में बैगन के चोखा के साथ बना लूँगी ऑमलेट, रोटी काफ़ी हो जाएगी। रोशन को भी सुबह 7 7 7:30 तक निकलना है, 8 बजे उनको बस पकड़नी है टाटा की। मैंने किचन बिल्कुल भी सेट नहीं किया है, कल ये निकलेंगे तो कल मैं कुछ बाहर से खा लूँगी, रात में टाइम मिलेगा तो इसे साफ़ कर दूँगी। मैं जान के यहाँ पे मतलब सारा सामान नहीं रख रही हूँ, क्योंकि सबको एक बार हटा के मैं चाह रही हूँ एक बार अच्छे से स्क्रब कर दिया जाए दीवार को, ताकि मतलब मन को संतुष्टि मिले। ऐसे साफ ही है लेकिन फिर भी एक बार स्क्रब कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। जो पहले वाली हमारी फ्लैट थी वो मॉड्यूलर थी, और वहाँ भी मतलब वहाँ तो गंदगी इससे ज़्यादा ही थी। वहाँ तो मैंने रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के मैंने, और नीचे जो बच्चे खेलने आते थे उन बच्चों में से भी एक दो बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की थी सफाई करने में, उन लोगों ने बहुत हेल्प की थी। ओडियो के साथ खेलने आती थी और मुझे मतलब जो भी काम होता था उसमें हल्का फुल्का हेल्प कर देती थी। ओडियो जब छोटा था सारे बच्चे उससे खेलने आते थे, और जैसे ही ओडियो बड़ा हुआ सब उससे डरने लगे। ये देखो यहाँ पे आती है ठंडी ठंडी हवा, इसलिए ओडियो ज़्यादातर यहीं पे पड़ा रहता है। ये बॉल पता नहीं क्यों लेकर आया है। तो चलिए थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड करती हूँ। ऐसे तो मैं इसे ऊपर से खिला कर लाई हूँ, छत पर से बॉल वगैरह खेल लिया है इसने और घूम भी लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुस्त है। तो चलिए मैं इसके पास बैठती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई जर्नी विथ यू। थैंक यू।